लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी सियासी दिग्गज चुनाव प्रचार में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस लौट आए हैं। सीएम बघेल ने कहा है कि देश में भाजपा की हार हो रही है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और इसी दौरान सीएम ने कहा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह रिटायर्ड हो गए हैं। रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बावजूद इसके भाजपा ने उन्हें प्रचार के लिए कहीं बाहर नहीं भेजा। बनारस में मोदी के लिए बाहर से लोग पहुंचे हैं, स्थिति बेहद खराब है, इसलिए अमित शाह बनारस में डेरा डाले हुए हैं। यहाँ दो रोड शो हुए, एक नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा प्रियंका जी का। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में पूरे देश भर के लोगों को इकट्ठा किया गया था, और कल का जो रोड शो हुआ था वो वहीं के स्थानीय लोग थे और तुलना में बड़ी रैली रोड शो रहा है।